नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस में। एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस को चुनने के लिए और ज्वाइन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज शिक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल क्वोट से, जो आपको जवान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या आज का मोटिवेशनल क्वोट की भागते रहिए अपने लक्ष्य के प्रति, भागते रहिए अपने लक्ष्य के प्रति, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, बस रुकना मत मेरे दोस्तों, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। जी हाँ, तो इसी और जवान के संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते आज के अपने जानदार शानदार सेशन का आगाज करता हूं। और आज कंप्यूटर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है नेटवर्किंग। अब देखिए, नेटवर्किंग वाले चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन तमाम प्रकार के प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे और नेटवर्किंग से जुड़े तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करें, व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग किसे कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं, आज कल डिजिटल इंडिया का जमाना है, हम सभी इंटरनेट से वाकिफ है, अर्थात इंटरनेट पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक फाइलों को ट्रांसफर करना या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या डेटा को ट्रांसमिट करना, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन टू सोर्स, दैट इज नोन एज नेटवर्किंग। अर्थात नेटवर्किंग एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को, निर्देशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। जब देखिए हमारे पास नेटवर्क नहीं था, हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी, तब इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को जाने में काफी लंबा वक्त लग जाता था। और आज आपने देखा होगा, आप भारत या इंडिया में बैठे बैठे देश के किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार के व्यक्ति से पर्सनली आप फोनो फ्रेंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को साझा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को साझा करने वाला जो मीडियम है, जो मोड है, उसे ही क्या कहा जाता है, नेटवर्किंग कहा जाता है। अब देखिएगा, नेटवर्किंग से जुड़ी जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, नेटवर्किंग में किन किन प्रकार की चीजों की या एसेंशियल एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है नेटवर्किंग में, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहां पर यदि आप देखिए, देखिएगा यहां पर फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा है सेंडर, और यहां पर हमने लिया रिसीवर, अब बताइए सेंडर को रिसीवर को या रिसीवर को सेंडर को किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर करना है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो नेटवर्क में डेटा को भेजने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले इसमें सेंडर होगा जो डेटा को भेज रहा होगा, इसमें सेकेंड मोड पर अदर हैंड पर रिसीवर होगा जो डेटा को रिसीव कर रहा होगा, और दूसरा इन दोनों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, मोड होगा। मोड अर्थात मीडियम, आप किस प्रकार के मोड या मीडियम के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा, या तो मोड, दो ही कंडीशन हो सकती, या तो डेटा किस प्रकार से भेजा जा रहा है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, बट फिलहाल यहां पर हम ऑफलाइन या ऑनलाइन के प्लेस पर हम इस प्रकार भी इसे साझा कर सकते हैं, यदि सेंडर रिसीवर को डेटा इंफॉर्मेशन को भेज रहा है तो ऑफलाइन का मतलब यहां पर वायर्ड मोड से है, वाई केबल, और ऑनलाइन का मतलब किससे होगा, वायरलेस। तो दो ही तरीके हो सकते हैं डेटा को भेजने के लिए, या तो वायर्ड मीडियम होगा तो कोई फिजिकली केबल से भेजा जाएगा, ठीक है, या फिर फिजिकली कोई केबल नहीं है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वायरलेस कनेक्शन का, अर्थात ओवर द इंटरनेट या वाईफाई या जो कुछ भी हमारा मोड रहेगा उसके व्यापार पर डेटा को भेजा जाएगा। तो हमने मोटे तौर पर यह पाया कि डेटा को भेजने के लिए सेंडर, रिसीवर और किसकी आवश्यकता पड़ती है, मोड अर्थात मीडियम, किस मोड या मीडियम से आप नेटवर्क में डेटा को भेजने वाले हैं, क्या वायर माध्यम से भेजने वाले हैं या वायरलेस माध्यम से भेजने वाले हैं। तो यही यहां पर डेफिनेशन लिखा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क मींस इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम दैट परमिट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग टू इंफॉर्मेशन। हालांकि आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया नेटवर्किंग किससे कहा जाता है, तो नेटवर्किंग इज अ वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। आइए
अब नेटवर्किंग से जुड़े आगे महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करते हैं। बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहां पर हम जो नेटवर्क के टाइप्स या क्लासिफिकेशन की चर्चा करने वाले हैं वह होगा जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से किस प्रकार का नेटवर्क किसने विशाल क्षेत्र या एरिया में फैला हुआ रहता है, तो उसके आधार पर मोटे तौर पर तो देखिए तीन ही प्रकार के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन। इसके अलावा हमने यहाँ पर पैन भी शामिल कर लिया है, इसके अलावा कैन भी होता है। मतलब मोटे तौर पर तो नेटवर्क को तीन ही पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, कॉमन सा, क्या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैन या पैन। इन सभी का सबसे महत्वपूर्ण आपसे एब्रीविएशन पूछा जाएगा, आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इनका फुल फॉर्म क्या बनेगा। आइए तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे लैन की, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क, फिर होगा मैन और फिर होगा आपका वैन। अब देखिए सबसे एक चीज आपको बता दें कि चाहे लोकल एरिया नेटवर्क हो, चाहे वाइड एरिया नेटवर्क हो या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, हम अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन डेटा को शेयर करने के लिए अलग अलग प्रकार के नेटवर्क का हम प्रयोग करते हैं। यदि हम सबसे प्राइमरी फैक्टर की बात करें, क्या है हमारे पास, लैन, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए लोकल एरिया नेटवर्क, लोकली आप सब जानते हैं, मतलब आप यदि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या पर्टिकुलर आपके ऑफिस के अंदर या घर के अंदर, या कुछ कंप्यूटर्स को मिलाकर जो नेटवर्क बनाते हैं उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। सर लैन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो भाई सिंपल सी बात है, आपने बताइए एक ऑफिस या कमरे के अंदर 50 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, क्यों कनेक्ट कर दिया, ताकि आप उन सभी कंप्यूटर्स के बीच में फाइल को ट्रांसफर कर सकें, फाइल के साथ साथ आप हार्डवेयर की शेयरिंग कर सकते हैं, जैसे मॉडेम है, प्रिंटर है, स्कैनर है, तो विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेस और इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए जो नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो नेटवर्क डिजाइन किया जाता है लोकली, वही आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो लिखा हुआ है आपका लोकल एरिया नेटवर्क इज अ रिलेटिवली स्मॉलर एंड प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क विद द मैक्सिमम स्पान ऑफ 10 किलोमीटर। तो यहां पर देखिए समझने वाली क्या बात है, लिखा हुआ है एक लोकल एरिया नेटवर्क अपेक्षाकृत छोटा और निजी स्वामित्व वाला नेटवर्क होता है, जिसकी अधिकतम अवधि 10 किलोमीटर होती है, मतलब 10 किलोमीटर तक आप इसे फैला सकते हैं। आगे देखिएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, देखिए मेट्रोपॉलिटन का मतलब ही क्या होता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। लैन का नाम हमने लैन इसलिए रखा है क्योंकि वो लोकली एक छोटे से क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र के कंप्यूटर्स को मिलाकर डिजाइन किया जाता है, उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब ही होता है महानगरी, मतलब बड़े बड़े महानगरों में, दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, कोलकाता है, इंदौर है, भोपाल, बड़े बड़े महानगरों या शहरों में जो नेटवर्क बनाया जाता है, पूरा नेटवर्क शहर में बिछाया जाता है, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। लिखा है मेन को 50 किलोमीटर से कम के लिए परिभाषित किया गया है, और यह कैंपस या छोटे भौगोलिक क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और वहीं पर जब आप किसी नेटवर्क को एक विस्तृत कंट्री लेवल पर, स्टेट लेवल पर डिफाइन करते हैं, तो वह होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे बताइए हम इंटरनेट की बात करें, क्या इंटरनेट से एक ही रूम के अंदर फैला होगा, क्या एक ही शहर के फैला अंदर फैला होगा, क्या, जी नहीं। नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी होती है वो ओवर द वर्ल्ड, ओवर द स्टेट या ओवर द डिस्ट्रिक्ट, सिटी एटसेट्रा, ये में भी हो सकती है। तो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर हमने तीन प्रकार के नेटवर्क आपको बताए, लैन, मैन और वैन। अब इससे जुड़े देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो टाइप ऑफ तीनों के फुल फॉर्म लिखिए, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। आगे चलें, यदि लोकल एरिया नेटवर्क की हम डायग्राम की बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, हमने क्या किया, ये हमारा देखिए लैन वन है और ये हमारा लैन टू है। अब लैन वन से हमने क्या किया, हमारे घर के अंदर कोई राउटर है जो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहा है। कई लोग आपने देखा होगा अपने घर में जियो का नेटवर्क वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राउटर के तौर पर आप किसका इस्तेमाल करें, जियो। जियो के वाईफाई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए किसका काम कर रहा है, ये राउटर है। अब आपने क्या किया, इस राउटर से आपने अपने घर के किस किस को कनेक्ट कर लिया, लैपटॉप को देखिए कनेक्ट करके रखा है,
लैपटॉप को कनेक्ट कर लिया, आपने अपने मोबाइल फोन या सेल फोन को कनेक्ट कर लिया। इसी के अलावा यहाँ पर देखिए आपकी टीवी या टेलीविजन को भी कनेक्ट कर लिया, इस पर भी आप यूट्यूब बढ़िया चला रहे हैं ना, या नेटफ्लिक्स वगैरह आप देख रहे हैं इसमें। इसके अलावा ये आपका क्या है, डेस्कटॉप है। तो यहां पर आप पाएंगे हमने हमारे घर के ही सारे इक्विपमेंट्स को हमने यहां पर कनेक्ट किया है, किससे, राउटर से। तो यही कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क, अर्थात एक ही स्थान के या लिमिटेड एरियाज के सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है उसे ही लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसी प्रकार लैन टू है, हमारे घर के कोई दूसरे रूम में हमने विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट को हमने किससे कनेक्ट करके रखा है, हमारे इसी राउटर से कनेक्ट करके रखा है। अब राउटर कैसी डिवाइस होती है, कैसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटर को सही नेटवर्क से जुड़े हुए सारे कंप्यूटर्स को क्या करती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है, और वो भी शॉर्टेस्ट पाथ से, कि डेटा को कहां पर किस कंप्यूटर से लॉगिन किया गया है, कहां पर किस डिवाइस पर डेटा को भेजना है, उसका बेथ जो पास्ट पाथ का डिटर्मिनेशन होता है वो राउटर का मतलब ही तो राउटिंग करना, डेटा को क्या है भेजना। तो ये सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब वन बाय वन हम तीनों में डिफरेंस देखने वाले हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा कि लेन का मतलब क्या होता है, मेन क्या है, वेन क्या है। तो देखिए यहां पर तीनों के यदि हम डायग्राम की बात कर ले, तो यहां पर इसका डायग्राम बना हुआ है, यहां पर मेन का है, यहां पर आपके वेन का डायग्राम यहां पर बना हुआ है। लेन में देखिए क्या क्या पॉइंट लिखे हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होगा, आगे क्या लिखा, स्मॉलेस्ट एरिया नेटवर्क कवर्ड। यदि आपसे पूछे सबसे छोटे एरिया को कवर करने वाला नेटवर्क क्या होगा, तो वो लेन होगा, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क होगा। कौन सा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। अब बात करें इसकी जो ओनरशिप होती है भाई किसके पास होती है, प्राइवेट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर के अंदर ही सारे डिवाइसेस को राउटर से कनेक्ट करके रखा है, इंटरनेट से कनेक्ट करके रखा, तो उसकी ओनरशिप किसके पास होगी, जिसके पास उसका पासवर्ड होगा, जाहिर सी बात है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो ओनरशिप होती है वह कैसी मानी जाती है, वह प्राइवेटली मानी जाती है। अब देखिए अगला, इजी टू डिजाइन एंड मेंटेन। चूंकि हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है काफी छोटा होता है, और आप सब जानते हैं जितना छोटा नेटवर्क होगा उतनी कम उसमें फॉल्ट होगा, उसको क्रिएट करना, उसको डिजाइन करना काफी ईजी होगा, और लो सेटअप कॉस्ट। चूंकि हमारा नेटवर्क छोटा सा है तो यहाँ पर इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो भी लागत की जिसकी बात करें तो लागत भी इसमें काफी कम होती है। आगे लिखा है हाई डेटा ट्रांसफर रेट। पूछे गए इन तीनों में से सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन रेट किसकी होती है, मतलब किसमें आप फास्ट गति से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो चूंकि नंबर ऑफ डिवाइसेज जहां भी जिस नेटवर्क में कम होगी उस नेटवर्क की इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट होगी, दैट मींस यहां पर लिखा है हाई डेटा ट्रांसफर रेट, इसमें डेटा को हाई रेट पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। छोटा सा नेटवर्क है इसलिए मोर सिक्योर है, रेंज अप टू देखिए 1 किलोमीटर। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है 10 किलोमीटर तक नहीं होता, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कीजिएगा, वो 1 to 5 किलो आपका 0 to 1 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। क्या लिखा है, शॉर्ट प्रोपोगेशन डिले, इसका जो प्रसारण होता है प्रोपोगेशन होता है इसमें बहुत कम डिले होता है। मोर फॉल्ट टॉलरेंस, टॉलरेंस का इसमें देखिए फॉल्ट का होगा, लेस कंजेक्शन। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमने इसके बारे में बताए हैं। अब ठीक इसी प्रकार यदि हम बात कर लीजिएगा मेन की, तो मेन से जुड़े हुए सारे पॉइंट लिखे गए हैं, वेन से जुड़े हुए सारे पॉइंट लिखे हुए, और इन सभी को अब सिस्टमेटिक ढंग से समझने के लिए एक टेबल के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपको यह अंतर समझ में आ जाए कि लेन, मेन और वेन किस प्रकार से काम करते हैं, और डेली लाइफ में प्रैक्टिकली इनका एग्जाम्पल क्या होगा, ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे इन तीनों में क्या डिफरेंस। देखिएगा आगे, तो ये खूबसूरत सा चार्ट आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, जिससे आपके सारे ही क्वेश्चंस क्या है, आंसर मिलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, मीनिंग अर्थात फुल फॉर्म की पूछे, फुल फॉर्म की यदि हम बात करें, अब देखिए फुल फॉर्म दैट मींस लिखा है अ नेटवर्क दैट कनेक्ट अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। ऐसा कोई भी नेटवर्क है जो एक छोटे से क्षेत्र के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, क्या कहलाता है, लेन कहलाता, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। मेट्रोपोलिटन में क्या लिखा, इट कवर्स रिलेट
रिलेटिवली लार्ज रीजन सच एज सिटी और टाउन। मतलब जब आप किसी नेटवर्क को शहर सिटी तक उसे स्पान करते हैं, उसे फैलाते हैं, तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क की हम बात कर लें, देखिए फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इट स्पान्स लार्ज लोकेलिटी एंड कनेक्ट कंट्रीज टुगेदर लाइक इंटरनेट। मतलब जब आप किसी प्रकार के नेटवर्क को वर्ल्ड वाइज या स्टेट वाइज या कंट्री वाइज फैलाते हैं, तो इतना बड़ा जो नेटवर्क होगा वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अब यहां से देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे। देखिए आगे लिखिए जो ओनरशिप ऑफ नेटवर्क, देखिए इन तीनों से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने यहाँ पर बिल्कुल टेबल बना के रख ली है। ओनरशिप किसकी होगी? प्राइवेट होगी। इसकी ओनरशिप किसके पास होती है? प्राइवेट होती है। जो उस नेटवर्क को मेंटेन कर रहा होता है उसी का उसकी ओनरशिप होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में वाईफाई लगा के रखा है, क्या आपके वाईफाई को पब्लिकली किसी के द्वारा यूज किया जा सकेगा? क्या नहीं। आपके कंप्यूटर में आपके मोबाइल में यदि ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ को किसी के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है क्या विदाउट योर परमिशन? नहीं। तो यहाँ पर इसलिए हम कह रहे हैं इसकी जो ओनरशिप होती है वह प्राइवेट होती है, किंतु मेन की बात करें इसकी ओनरशिप प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। अब प्राइवेट और पब्लिक से दोनों कैसी हो सकती है तो सोचेगा जी। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसका बढ़िया एग्जाम्पल बता रहा हूँ, केबल टीवी नेटवर्क। आपने देखा जो केबल टीवी के ऑपरेटर होते हैं वो पूरे शहर में अपने घर अब हर एक घर परिवार के घरों में क्या करते हैं, डिस्क पहुंचाते हैं, कनेक्शन पहुंचाते हैं, जिससे आप सभी प्रकार के चैनल देख पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, पहले तो उनकी ओनरशिप उनके पास रखी है और उनके पास रखी मतलब प्राइवेट है, और जब कनेक्शन आप तक पहुंचाया जाता है आप सर्टेन अमाउंट पे करते हैं तो फिर वह आपके लिए क्या हो जाती है, पब्लिकली हुई, मतलब पब्लिकली लोगों को सर्टेन अमाउंट देकर उसे पब्लिकली उसकी ओनरशिप को कर दिया जाता है। बट वैसे उसकी उनकी जो ओनरशिप होती है जिसके द्वारा जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिस फर्म के द्वारा उसे मेंटेन किया जा रहा है उसके पास उसकी ओनरशिप रहती है, और जब लोगों तक उसे दे दिया जाता है तो उसे पब्लिकली कहा जाता है। जबकि वैन की बात करें नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क में ऐसा है, इंटरनेट क्या आप सब जानते हैं, जब तक आपके पास कोई वैलिड रिचार्ज नहीं है प्लान नहीं है उसकी ओनरशिप प्राइवेट रहेगी, और जैसे आपके पास प्लान हो जाता है रिचार्ज कराते हैं तो उसकी जो कनेक्टिविटी होती है ओनरशिप होती है नेटवर्क की वह कैसी मानी जाने लगती है, वह आपके लिए पब्लिकली हो जाती है। आगे बात करेंगे डिजाइन एंड मेंटेनेंस। अब देखिए किस नेटवर्क को बनाना आसान है, तो जितना छोटा सा नेटवर्क होगा उसको डिजाइन करना उतना ही इजी होगा या आसान होगा। क्या होगा? इजी अथवा आसान होगा। और वहीं पर मैन की बात कर लेंगे, चूंकि यह लेंथ से बड़ा होता है इस कारण इसमें जो डिफिकल्टी होगी इसको डिजाइन करने के लिए डिफिकल्ट होगी, और इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगी, इसमें मोर डिफिकल्ट होगा। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसमें उतनी ही ज्यादा उसमें क्या होगी, उसको डिजाइन करने में कंस्ट्रक्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखिए आगे लिखिए प्रोपोगेशन डिले। देखिए प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रसारण करना, क्या प्रसारण करना डेटा इंफॉर्मेशन का। तो चूंकि देखिए लेन एक छोटा सा नेटवर्क है, इसलिए का प्रोपोगेशन इसमें डेटा का शॉर्ट होता है, इसमें मोडरेट होगा और इसमें लॉन्ग होगा। मतलब डिस्टेंस की बात की जा रही है, आप लेन नेटवर्क से डेटा का प्रोपोगेशन छोटे से क्षेत्र में कर पाएंगे, मेन में मोडरेट बीच में कर पाएंगे इन दोनों के, और मेन में जो डेटा का प्रोपोगेशन होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस तक होगा। अब बात करें सर किसमें कितनी स्पीड होगी, तो भाई ये जाहिर सी बात है जितना छोटा नेटवर्क होगा जितने नंबर ऑफ पीसी उसके साथ कम जुड़े रहेंगे उतने ही उसमें ट्रैफिक कम होगा, अर्थात उसकी स्पीड ससुरी उतनी ज्यादा होगी। अर्थात स्पीड की बात करें, देखिए सबसे फास्ट हाई स्पीड लेन की रहती है, उसके बाद इसमें मॉडरेट मिलेगी, और इसके बाद क्या मिलेगी, सबसे लो मिलेगी। आप सब जानते हैं इंटरनेट चूंकि पूरी दुनिया में देश में कंट्री जिले ब्लॉक शहर गांव सभी जगह फैला हुआ रहता है, इसलिए नंबर ऑफ क्राउड नंबर ऑफ उसमें जो कस्टमर होते हैं वो ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी एज ए कंपेयर टू लैन या मेन की अपेक्षा कम होती है। इसलिए पब्लिकली लोग क्या करते हैं फिर अपने ज्यादा ब्रॉडबैंड ले लेते हैं या अपने घर पर वाईफाई लगा लेते हैं। ठीक है आगे देखिएगा इक्विपमेंट यूज्ड। अब लोकल एरिया नेटवर्क
को आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको अपने घर में एनआईसी की आवश्यकता होगी। एनआईसी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आगे देखिएगा स्विच हब, ये सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, किंतु वहीं पर यदि हम बात कर लें किसकी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में इक्विपमेंट मॉडेम और राउटर की आवश्यकता होती है, और जबकि यहां पर माइक्रोवेव रेडियो ट्रांसमीटर या रिसीवर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंटरनेट आप तक कैसे पहुंचता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव वेव, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव वेव या रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से, या फिर क्या बोल सकते हैं जो वायरलेस कनेक्शन होता है उसके माध्यम से आपके तक, सैटेलाइट के माध्यम से आप तक सारी चीजें पहुंचती है। इसकी रेंज देखिए 1 to 10 किलोमीटर नहीं होगी, 1 to 1000 किलोमीटर होती है, और उसके बाद 1 किलोमीटर होगी, 1 से लेकर इसमें देखिए 0 से 1 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी, और इसके बाद 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, और इसकी फिर बियॉन्ड 100 किलोमीटर से इसमें ज्यादा होती है। अब बात करें देखिए लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, तो चूंकि लोकल एरिया नेटवर्क के लोकली एरिया में, मतलब कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, आपके घर के अंदर, कंपनी के अंदर जो नेटवर्क डिजाइन किया जाता है वह लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, जबकि मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है महानगर, अर्थात बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में इसका प्रयोग किया जाएगा। और वेन का प्रयोग स्टेट, कंट्री या कॉन्टिनेंट अर्थात महाद्वीप स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे कि किस प्रकार की चीजें, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, वो हमने इसको आपको यहां पर क्लियर कर दिया है। आगे चलते हैं, अगला हमारा देखिए चैप्टर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है, तो यदि हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कुछ कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, कहीं पर जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उनका स्ट्रक्चर लेआउट कुछ और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ और दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ससुरा कुछ और दिखाई दे रहा है। कहने का आस यह हुआ सर, व्हाट इज टोपोलॉजी, देखिए इसे टोपोलॉजी या नेटवर्क टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसे टोपोलॉजी या नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, और नेटवर्क टोपोलॉजी इट इज नथिंग बट इट इज द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेटवर्क, या फिर लेआउट ऑफ अ नेटवर्क या स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क। मतलब आपने नेटवर्क अर्थात इंटरनेट से, सर्वर से, आपने अपने पीसी को, आपने अपने कंप्यूटर्स को, लैपटॉप को किस प्रकार से कनेक्ट करके रखा है, उसी का लेआउट या जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। तो डेफिनेशन की यदि यहां पर हम बात करें तो डिफाइन कर सकते हैं लेआउट और स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क। तो लेआउट या स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, या फिर इसे हम कह सकते हैं जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेटवर्क, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेटवर्क। दैट मींस आपने अपने नेटवर्क से कंप्यूटर्स को किस प्रकार से जोड़ के रखा है, उसी के लेआउट, उसी के स्ट्रक्चर को, उसी के प्रारूप को हम क्या कह देते हैं, टोपोलॉजी कह देते हैं। अब बात आती है सर, हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कितने प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, उसी के आधार पर आपको पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी के देखिए कौन कौन से टाइप्स होंगे, टोपोलॉजी के
कौन कौन से यहाँ पर टाइप होंगे? तो सबसे पहले देखिए, हम आपको कहाँ बैठाएंगे, बस में। कहाँ मतलब बस टोपोलॉजी, बस में बैठाकर कहाँ ले जाएंगे, फाइव स्टार होटल में ले जाएंगे, मतलब स्टार टोपोलॉजी होगी। सर फाइव स्टार होटल में क्या हो रहा है? तो भैया वहां पर किसी की रिंग सेरेमनी हो रही है, अर्थात उसके बाद रिंग टोपोलॉजी पढ़ेंगे। रिंग टोपोलॉजी के बाद, रिंग सेरेमनी होने के बाद मेस में वहां पर क्या है, खाना खिलाएंगे। क्या? मेस में खाना खिलाएंगे और फिर आपको ट्री पर घुमाएंगे। मतलब ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। तो ये पांच प्रकार की टोपोलॉजी हमें पढ़ना है। इसके अलावा भी अन्य जो टोपोलॉजी होती है जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या होती है? हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो इतनी प्रकार की टोपोलॉजीज हमें इस चैप्टर में वन बाय वन हमें देखना है। अब आते हैं यहां पर अलग अलग टोपोलॉजीज पर हम, और डिटेल में देखते हैं किस टोपोलॉजी का किस प्रकार से कनेक्शन। देखिएगा, नेवे टोपोलॉजी टाइप्स देख पा रहे हैं, बस है, स्टार है, मैस है, ट्री और रिंग। ये बेसिकली फाइव टाइप्स की टोपोलॉजीज होती हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनसे मिलाकर जो टोपोलॉजी बनती है उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। बट फिलहाल इन टोपोलॉजी की बात करें, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिएगा, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, यदि हम डायग्रामेटिक आपको बताएं तो बस टोपोलॉजी में आप देख पा रहे हैं, बस टोपोलॉजी में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हमारे पास एक लाइन है, मतलब केबल है। इससे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सारे कंप्यूटर हैं। इन सभी कंप्यूटर को हमने किससे कनेक्ट करके रख दिया? एक सेंट्रल केबल से, एक सेंट्रल केबल से कनेक्ट किया है। किससे कनेक्ट कर दिया है? सेंट्रल केबल से कनेक्ट किया है। वहीं पर रिंग टोपोलॉजी में आप देख पा रहे हैं, हर एक कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ है, हर एक कंप्यूटर या पीसी अपने आप में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर कंप्यूटर को नोड भी कहा जाता है, नेटवर्क से जुड़े हुए हर एक कंप्यूटर को अपने आप में किस नाम से जाना जाता है? नोड के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक स्टार शेप में दिखाई दे रहे हैं। किसमें? स्टार शेप में दिखाई दे रहे हैं। और ट्री टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर ऐसे ट्री के रूप में, जिसमें ब्रांचेस फैली हुई हैं, उस रूप में दिखाई दे रहे हैं। और हाइब्रिड टोपोलॉजी आप देख पा रहे हैं, मैश टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर प्रत्येक अन्य सभी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है, हमने किया क्या है? आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। टोपोलॉजी एक्चुअली होता यह है कि आपने नेटवर्क से कंप्यूटर किस प्रकार से जोड़ के रखा, और हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं? पांच। ये पांच अलग अलग प्रकार के प्रारूप लेआउट हैं जो हमें वन बाय वन हमें यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले यदि हम बात करें अब यहां पर बस टोपोलॉजी की, बस टोपोलॉजी किसे कहा जाएगा? तो देखिए, नॉर्मल इसका नाम बस टोपोलॉजी क्यों रखा गया है? तो जिस प्रकार आपने देखा होगा, एक बस अपने साथ सभी पैसेंजर्स को, सभी यात्रियों को साथ में लेकर चलती है, ठीक इसी प्रकार बस टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सभी नोड को, सभी पीसी को, सभी कंप्यूटर को एक सेंट्रल केबल से जोड़ा जाता है। और उस एक केबल से जोड़ा जाता है उसे सेंट्रल केबल या बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम डायग्राम की बात करें तो ये हमारी एक सेंट्रल केबल है, ये हमारी सेंट्रल केबल है। और इस सेंट्रल केबल से देखिए, अब हमने कई प्रकार के यहां पर डिवाइस जोड़ के रख दिए। और दोनों साइड यहां पर डेटा इससे आगे नहीं जाए, इसलिए टर्मिनेटर लगा दिया था। दोनों साइड आपके क्या लगे होते हैं? टर्मिनेटर, टर्मिनेटर का प्रयोग होता है। आगे देखिएगा, तो अब देखिए, ये जो सारे दिखाई दे रहे हैं, ये जो बीच में इन सभी को जो जोड़ने वाली लाइन है, ये क्या कहलाती है? सेंट्रल केबल, सेंट्रल केबल, या फिर इसे ही कहा जाता है ट्रांसमिशन लाइन। यही लाइन अपने से जुड़े सभी कंप्यूटर डेटा को ट्रांसमिट करती है, इसलिए इसे ट्रांसमिशन लाइन भी कहा जाता है, या फिर इसे बैकबोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? बैकबोन भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा, इन विच टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल केबल नोन एज ट्रांसमिशन लाइन और बैकबोन। तो याद रखिएगा, बस टोपोलॉजी में ही सभी डिवाइसेस एक ही
पहला पॉइंट केवल से जुड़ी होती है, केवल से जुड़ी होती हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसमें सभी डिवाइसेस एक ही केबल से जुड़ी होती हैं, और यहां पर अब क्या होगा कि किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर को डेटा किसी अन्य को भेजना है तो भाई इसी ट्रांसमिशन लाइन से होकर गुजरेगा, और हर एक कंप्यूटर का अपना आईपी एड्रेस होगा। तो जिस भी कंप्यूटर के लिए यह डेटा भेजा जिस भी कंप्यूटर के लिए यह डेटा को भेजेगा वही डेटा उस तक पहुंचेगा, मतलब वही उसे एक्सेप्ट करेगा, और बाकी उसे क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, बाकी उसे क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि बस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल केबल से जुड़े होते हैं, इस प्रकार का नेटवर्क हमारा बस टोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा, बस टोपोलॉजी कहलाएगा। अगले यदि हम बात करें आगे, बस टोपोलॉजी के बाद रिंग टोपोलॉजी। तो देखिए इसे रिंग टोपोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर नोड, ऐसा कोई भी नेटवर्क जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर नोड अपने से अन्य दो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है वह रिंग टोपोलॉजी कहलाता है। तो एक रिंग शेप में सारे कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है, रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। अब रिंग टोपोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि यदि इसमें से किसी भी एक भी कंप्यूटर में किसी प्रकार की टेक्निकल एरर आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर है, ये दो है, ये तीन, ये है चार है, अब यहाँ पर इसमें डेटा पहले तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर नंबर एक को कंप्यूटर नंबर तीन को डेटा भेजना है तो पहले दो के बाद जाएगा फिर तीन के बाद जाएगा, और कल को यदि इस कंप्यूटर में कोई एरर आ जाती है तो डेटा फिर तीन तक नहीं आ गया, ऐसा नहीं हुआ कि इधर से दिक्कत आ रही थी इधर से घूम के आ गए, ऐसा इसमें नहीं होता, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अन्य दो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है, और यहां पर सभी कंप्यूटर एक सभी कंप्यूटर के आवाज से इसमें टोकन का प्रयोग होता है, टोकन मतलब जिसको डेटा चाहिए डेटा उसी को रिसीव होगा, बाकी उसे क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो यह रिंग टोपोलॉजी के बारे में हमने आपको चीजें बताई। रिंग टोपोलॉजी के बाद तीसरा हमारे पास होता है स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सभी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इसमें सेंट्रल कंट्रोलर का प्रयोग होता है, सेंट्रल कंट्रोलर, और सेंट्रल कंट्रोलर के तौर पे इसमें हब भी हो सकता है या स्विच हो सकता है, ये देखिए नेटवर्किंग डिवाइसेस है, तो एक सेंट्रल कंट्रोलर का इसमें प्रयोग होता है। पूछा जाएगा किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर सेंट्रल कंट्रोलर से जुड़े होते हैं, तो वह होगा आपका स्टार टोपोलॉजी। अब चूंकि होता क्या, जरूरी नहीं है कि आप सभी कंप्यूटर के स्टार रूप में जुड़े हुए हैं, चारों तरफ से जुड़े हुए रहते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा सभी कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़े हुए रहते हैं और वही सर्वर आपके कंप्यूटर के कोने में रहता है, तो जरूरी नहीं कि आपने सभी कंप्यूटर के स्टार शेप में जोड़ के रखा, तो एक दो तीन चार ये आपके चार कंप्यूटर हैं, इन सभी में डेटा को भेजने के लिए ट्रांसमिट करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, हब अथवा स्विच का, और हब स्विच यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रल कंट्रोलर अर्थात केंद्रीय नियंत्रक, केंद्रीय नियंत्रक। इसमें किसी एक कंप्यूटर में खराबी भी आ जाती है तो ओवरऑल नेटवर्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ओवरऑल नेटवर्क पर इसका कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, मतलब डेटा का ट्रांसमिशन सुचारू रूप से जारी रहता है। किंतु हब क्या करेगा, अपने से जुड़े हर एक कंप्यूटर को बराबर बराबर की गति से इसमें डेटा की शेयरिंग इसमें की जाती है, ऐसा नहीं है कि किसी कंप्यूटर को ज्यादा स्पीड से डेटा दिया जा रहा है या किसी को कम स्पीड से दिया जा रहा है। स्टार के बाद हमारे पास आती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, अब देखिए इसका नाम ट्री टोपोलॉजी इसलिए रखा गया है क्योंकि बेसिकली इसमें इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार प्लस बस, यह स्टार और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन मानी जाती है। मतलब जब हमें एक बड़े से नेटवर्क को क्रिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ कंप्यूटर को हमने देखिए सेंट्रल केबल से जोड़ दिया, कुछ कंप्यूटर को तो हमने सेंट्रल केबल से जोड़ दिया, कुछ कंप्यूटर को हमने सेंट्रल केबल से जोड़ के रख दिया था, ये तो हमारी क्या हो गई, बस टोपोलॉजी, क्योंकि बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर किससे जुड़े हुए रहते हैं, सेंट्रल केबल से जुड़े हुए रहते हैं। जबकि स्टार टोपोलॉजी की बात करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी कंप्यूटर को सेंट्रल कंट्रोलर से जोड़ दिया,
मतलब जिसमें हमने हब का प्रयोग कर लिया। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। और अब हमने क्या किया, इसको इन दोनों को आपस में किसी केबल के माध्यम से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपने जब दो टोपोलॉजी को मिलाकर एक टोपोलॉजी बनाई जाती है तो वो आपकी ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाएगी? ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। बड़े बड़े नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगली जो टोपोलॉजी हमारे पास है, मेश टोपोलॉजी। अब देखिए, मेश टोपोलॉजी से बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटर से आपस में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चार हमने यहाँ पर कंप्यूटर ले लिए, चार देखिए हमने यहाँ पर कंप्यूटर ले लिए। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटर से अपने आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ये देखिएगा, देख पा रहे हैं, एवरी नोड या एवरी कंप्यूटर हैज अ डेडिकेटेड लिंक टू इच अदर। प्रत्येक कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए मोर सिक्योर मानी जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपके पास चार कंप्यूटर है। अब यदि कंप्यूटर एक को डेटा तीन को भेजना है तो एक तरीका तो देखिए, यहां से जहां जाएगा इसको मिल जाएगा, या फिर यहां से जाएगा इसको मिल जाएगा इधर से, या फिर देखिए सीधी डेडिकेटेड लाइन भी दिखवा रही। मतलब एक या एक से अधिक पीसी के, एक या एक से अधिक पीसी के इसमें खराब होने पर भी ओवरऑल नेटवर्क पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और किंतु इसमें चूंकि नंबर ऑफ वायर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर को अपने अलग अलग डेडिकेटेड लिंक दे के रखिए, लिंक का मतलब यहाँ पर किससे है, केबल से, इसलिए इसमें ज्यादा ज्यादा केबल की आवश्यकता होती है। और ज्यादा ज्यादा केबल की आवश्यकता होने के कारण यह टोपोलॉजी कैसी मानी जाती है, एक्सपेंसिव मानी जाती है। अच्छा, एक इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैश टोपोलॉजी में यदि आपके पास चार कंप्यूटर है तो कितने लिंक या केबल की आवश्यकता पड़ेगी। देखो कितनी केबल की आवश्यकता पड़ेगी, और केबल सबको जोड़ना है एक दूसरे से, एक दो तीन चार पांच छह। तो फॉर एग्जाम्पल यहां तो काउंट कर लिया, किंतु कभी आपसे कोई बोले यदि आपके पास 10 कंप्यूटर है, आपके पास क्या है 10 कंप्यूटर, तो कितने केबल की आवश्यकता पड़ेगी मेश टोपोलॉजी में, क्योंकि मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटर से आपस में जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, देखिए नंबर ऑफ लिंक निकालने का फॉर्मूला होगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। एन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ केबल से, नंबर ऑफ कंप्यूटर से, कितने कंप्यूटर, जैसे यहाँ पर n बराबर चार है तो चार की वैल्यू रख देंगे 4 इंटू थ्री माइनस डबल टू बन जा टू, टू टू जा फोर, कितना टू थ्री जा सिक्स। देखिएगा चार कंप्यूटर थे, कितने केबल की आवश्यकता पड़ी, छह, वेरीफाई करके बता दे। ठीक, इसी प्रकार यदि कंप्यूटर की संख्या कितनी हो जाए 10 हो जाए, तो इसी फॉर्मूले में रख दीजिएगा, कितना होगा 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, अर्थात 9 5 जा 45। 10 कंप्यूटर को, सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए 45 केबल अथवा लिंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक प्रकार की टोपोलॉजी में। और इसके अलावा, इन पांच के अलावा एक और हमारे पास टोपोलॉजी होती है जिसका नाम होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। देखिए हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट थिंग, मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। तो अलग अलग चीजों के मिश्रण को हम लोग क्या कह देते हैं, हाइब्रिड कह देते हैं। अर्थात जब दो अलग अलग टोपोलॉजीज को मिलाकर एक फाइनल या रिजल्टेंट टोपोलॉजी बनाई जाती है, क्या होता है, कंबाइन टू डिफरेंट टोपोलॉजी, टोपोलॉजीज, तो अलग अलग टोपोलॉजीज को मिलाना क्या कहलाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या मिला दिया, स्टार प्लस अभी हमने बस मिलाकर जो ट्री टोपोलॉजी बनाई थी तो हाइब्रिड हो जाएगी, या फिर हो सकता है बस प्लस आपने रिंग टोपोलॉजी को मिला दिया। तो जैसा आपकी आवश्यकता होती वैसे वैसे अलग अलग टोपोलॉजीज को आपस में मिला देते हैं, और अलग टोपोलॉजी को मिलाकर जो टोपोलॉजी बनाई जाती है उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी चीजें आज की क्लास में देखिए डिस्कस किए, नेटवर्किंग से संबंधित कि नेटवर्किंग कैसे कहा जाता है, आगे उसके डेफिनेशन वगैरह हमने सारी यहाँ पर देखे हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमने देखे हैं, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न उनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए वहीं पर ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस की हैं। ये
चलिए तो आज की क्लास अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।